शासकीय माध्यमिक विद्यालय भितरगवा में पदस्थ शिक्षक को गांव के कुछ लूधी समाज के युवकों ने अपमानित किया। शिवपुरी जिले के पिछोर स्थित ग्राम भितरगवा के शासकीय स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक के साथ गांव के कुछ लोगों ने अभद्रता व अपमानित किया। पंडित शिक्षक वैद्य प्रकाश त्रिपाठी ने मामले की शिकायत पिछोर थाने में की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक पिछोर के आदर्श कॉलोनी निवासी वेद प्रकाश त्रिपाठी शिक्षक ने बताया कि दोपहर में स्कूल के मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। इसी बीच गांव के रामगोपाल लोधी, मोहित लोधी, कल्लू लोधी, कपिल लोधी कुछ ग्रामीणों के साथ स्कूल में घुस आए और मेरे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने लगे। मुझे 13 का पहाड़ा सुनने के लिए कहा गया। मैंने एक बार पहाड़ा सुना दिया, उसके बाद सवाल जवाब करने लगा और मुझे अपमानित करने लगा। उसके बाद शिक्षक को मारने पीटने की और जान से मारने की धमकी भी देने लगा। इस बात से परेशान शिक्षक ने पिछोर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही शिक्षक ने पिछोर SDM को ब्लॉक के सभी शिक्षकों के साथ मिलकर एक आवेदन दिया है। इसमें शिक्षक का कहना है कि इस तरह के गांव में लोगों की गुंडागिरी चलेगी तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। इस घटना से सभी शिक्षक नाराज हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश त्रिपाठी। शिक्षक हैं आप? हाँ, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय भितरगवा में मैं पदस्थ हूँ। अच्छा, आज सभी शिक्षक SDM कार्यालय में आए थे, क्या मामला है? ये मामला है कि उस गांव में मैं हर एक दिन की तरह अपनी नौकरी पे था, तो जब तक 3-4 लोग रामगोपाल लोधी और ये कल्लू लोधी, कपिल लोधी और मोहित लोधी जी अचानक आए और मेरे SDM से पूछा कि वो मोटा पंडित कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो खाना परसवा रहे हैं। मुझे अचानक घेर के मेरे साथ बेइज्जती करने लगे और बोले, सर 13 का सुनाओ। मैंने 13 का सुना, फिर बोले 14 का सुनाओ। क्या मेरी पाड़ा? मुझसे कहने लगे पाड़ा सुनाओ। मैंने सुना दिया। इसके बाद बेइज्जत करके जीके के गए कि मास्टर चला जाना, तू पंडित नहीं, तेरी खैरियत नहीं है। सो तो मैं धमकी दी आपको? हाँ, धमकी दी। और सर मैं तो अब इतना माने BP से पेशेंट और शुगर से हूँ कि घबरा रहा हूँ, मेरे कुछ भी हो जाए तो अब शासन जिम्मेदार होगा, कोई नहीं होगा। सर मेरे साथ बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। इसलिए आप SDM? हाँ, इसलिए SDM महोदय के पास आए, ये शादियों को पता पड़ा तो जी आए, सभी शिकायत करने कि साहब हमारे साथ कभी भी कुछ हो सकता है और साथियों के साथ भी होगा, इसलिए निवेदन करना चाहते हैं। तो आपको ही टारगेट क्यों बनाया उन्होंने? अरे सर वही तो बात है, जो कैसेट बना रहे थे वो मेरा खास चेला, जाने क्या वायरल हो गया कि ब्राह्मण माने वो कहाँ है पंडित, सिर्फ ये एक वायरल फेर रहा है, उस कारण मेरे साथ हुआ। नहीं, इसलिए आपको टारगेट बनाया? हाँ, नहीं 5 साल से मेरी बड़ी इज्जत